हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए, तो माई सेल्फ मनीष कुमार झा है ना, फिजिक्स टीचर इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एलाबोरेट इन द लैब एक्टिविटी ऑफ द फिजिक्स क्लास, दैट इज द रेक्टेंगुलर ग्लास लैब एक्टिविटी। ओके, सो फॉर डूइंग द रेक्टेंगुलर ग्लास एक्टिविटी वी रिक्वायर सम apparatus, एंड what द apparatus एंड what थिंग वी रिक्वायर फॉर डूइंग द फॉर कैरिंग आउट द रेक्टेंगुलर ग्लास एक्टिविटी इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अ सिंगल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज दिस, एंड वन ए वाइट सीट है ना, द नीट एंड क्लीन वाइट सीट वी रिक्वायर फर्स्ट, एंड दिस इज अ पंचिंग पिन, एंड दिस स्मॉल पिन इज जस्ट एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट और इमेज इंडिकेशन है ना, मीन्स दिस स्मॉल पिन इज जस्ट यूज एज अ ऑब्जेक्टिव एंड द इमेज पिन। ओके, and this is an instrument box what I think all the students have carried inside the bags and in the school premises, and every student must have these. Okay, and in the instrument box the two things must require is the protector and to measure the angles and the one measuring scale. Okay, now guys, सबसे पहले हम लोग देखेंगे है ना कि कैसे हम लोग इसको क्रिएट करना है। सबसे पहले हम लोग एक पेज लेंगे है ना, एक नीट एंड क्लीन पेज लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को भी कैरी आउट करना है, एकदम ध्यान से देखना है कि कैसे हम लोग इसको कैरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले दिस इज व्हाट ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, और ये सबसे आम का होता है और ये बड़ा कच्चा आम का होता है, ताकि आपको किसी भी तरह का ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, किसी भी तरह का पिन बहुत इजीली जो है वो पंच हो पाए, पेनिट्रेट कर पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा इससे हट जाए, ताकि चूंकि एंगल का एक छोटा सा, क्योंकि आप जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें छोटी छोटी एरर हो सकती है, आपका अगर मान लेते हैं कि 30 डिग्री आए चाहे 40 डिग्री आए, आपका स्लाइटली डिफरेंसेस जो आता है वो आपके कारण नहीं आ रहा है, आपके एरर के कारण है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड के आप थोड़ा सा भी सटे होंगे, हल्का सा भी ये हिलेगा, एंगल में चेंजेस आ सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले ध्यान में देना है कि देयर वुड नो एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ताकि आपका फुल प्रूफ एक्टिविटी आप कैरी आउट कर सके। तो ये आपने पहले व्हाइट सीट ले लिया, और सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे आपको पंच कर लेना है ना, सबसे पहले क्या करना है, इसको पंच कर लेना है, ताकि आपका मतलब थोड़ी बहुत अगर एरर भी आए तो हमें लगे कि नहीं ये हमारे छोटे से एरर हो रही है ना, जो उसको नेगलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो चारों कॉर्नर पे आपको पंचिंग कर लेना है सबसे पहले, ताकि आप जो है बढ़िया तरीके से एक्टिविटी कर सकें। देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो पंच कर लिया, ये मैंने पंच कर लिया। ओके गाइस, समझ में आया आपको अभी तक? सबसे पहले हमने एक व्हाइट सीट ले लिया और उसको इस ब्लॉक के ऊपर चारों कॉर्नर पे पंच कर लिया, ताकि जो फैन चल रहा है चाहे किसी भी कारणवश ये डिस्टर्ब नहीं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जिसका एक्टिविटी हम लोग करने आए हैं, दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एकदम आराम से इसको एक जगह पे फिक्स कर देना है ना, एकदम स्ट्रेट देखना है, कोशिश करना है जहां तक हो सके आपको इसको रख देना है। उसके बाद आपने क्या किया, एक पेंसिल लिया है ना, कोशिश करना है कि HB पेंसिल लें, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एंगल एंगल का मेजरमेंट होगा, थोड़ा भी बोल्ड लाइन होगा तो एंगल में थोड़ी सी चेंजेस आ सकती है, तो HB पेंसिल जो है वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक उंगली यहाँ पे रखना है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, इसकी आउटर बाउंड्री ले लेनी है, आउटर बाउंड्री ले लेना है सबसे पहले, ये मैंने इसका आउटर बाउंड्री ले लिया, कोशिश करना है कि जितना तक आप कर सकें करेक्टली उसको कर लेना है, ज्यादा बोल्ड भी नहीं करना है। तो ये हमने आउटर बाउंड्री स्केच आउट कर लिया है ना, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी गलती हमारी गलती है, दिस इज अ स्मॉल एरर है ना, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं है ना। एक्सपेरिमेंट जब आप आगे करिएगा 11-12 में, बहुत सारे एक्टिविटी जब करते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ाया जाता है 11th में, दैट इज द यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आता है, और एक टॉपिक आती है एरर, तो एरर होना स्वाभाविक है, ये नेचर है ना, तो कोशिश करना है कि कम से कम यानी एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है, वो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग ने एक बाउंड्री ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक साइड में
किसी एक साइड में, ये साइड से है ना, आप देख रहे हैं कि अभी ये क्या हो गया, ये थ्री डायमेंशनल है लेकिन अभी ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया क्योंकि ये सीट पे आ गया। ठीक है, अब आपको एक साइड के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेना है, कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, ताकि आप जानते हैं मैथ्स में आपने पढ़ा है कि एंगल जो होता है वो वर्टेक्स पे होता है, पॉइंट पे होता है, तो आपको एक पॉइंट लेना बहुत जरूरी है ताकि आप वहां से एंगल्स को निकाल सके। तो आपने यहाँ पर ये देखिए है ना, ये आपने एक प्रोटेक्टर लिया ताकि आप एंगल को ले सके, उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ये जो आपका ये बना हुआ है पॉइंटेड, उस पॉइंट के ऊपर रखने की कोशिश करना है। एकदम थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने की चांसेस एकदम कम से कम हो सके, है ना, आपने जूनियर क्लासेस में एंगल्स वगैरह बनाने की कोशिश किया होगा। तो आपको सबसे पहले जानते हैं कि एंगल जो नॉर्मल एंगल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो किधर से होता है, नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में। तो आपका यहाँ नॉर्मल है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें, ये नॉर्मल है, आप इधर से नहीं लेंगे, आप इधर से लेंगे तो आप ये नॉर्मल लेते हैं, ये 90 डिग्री का है, तो आप इधर से जितना भी डिग्री आप लेना चाहें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे, तो यहाँ से कितना देखिए 10-10 का डिफरेंस है, तो आप ये यहाँ पर 60 इधर से है बोगा, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप 60 इधर से है, लेकिन अगर आपने यहाँ 60 दिखाया है तो इधर से ना एंगल मेजर होगा, इसका मतलब आपने यहाँ जो प्रोटेक्टर पर 60 दिखलाया है, जबकि यहाँ पे देखिए 90 के 80 आए हैं, यानी इधर से लेना है, तो 90 से 80 आए यानी 10 डिग्री, फिर 80 से 70 आए 10 डिग्री, और फिर 70 से 60 आए यानी 10 डिग्री, इसका मतलब आपको पता है कि आपने कितना एंगल लिया है अभी, 30 सॉरी, अभी आपने यहाँ पे कितना डिग्री लिया है, ये दो पॉइंट हो गया। अब इसको आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और आपका यहाँ पे एंगल कितना बन चुका है, और यहाँ पे नॉर्मल लेना है, और नॉर्मल हम लोग क्या लेते हैं है ना, डॉट डॉट लाइन से आप यहाँ पे नॉर्मल ले लेंगे, ऐसे बना लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर कितना डिग्री लिया बताइए, कितना डिग्री लिया, एकदम ध्यान से समझना है, कितना डिग्री लिया आपने, 30 डिग्री लिया, कितना डिग्री लिया है, 30 डिग्री लिया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ दिखेगा 60 लेकिन आप 90 के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो आपको 10-10 का डिफरेंस है, तो वो कितना डिग्री दिखा रहा है, नॉर्मल और इसके बीच में 30 डिग्री है, क्लियर है। अब आपने यहाँ पे जो करना था वो कर लिया, अब आप फिर से क्या करेंगे, ये स्लैब उठाएंगे और स्लैब को इस आउटर जो बाउंड्री आपने लिया है उस बाउंड्री के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, और ध्यान देंगे ऊपर से भी देखना है ताकि आपको एकदम ट्रांसपेरेंट है ना, तो क्लियरली दिखाएगा। जैसे मान लिया आपने ऐसे लिया, तो देखिए ऊपर से आपका लाइनिंग नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये रेक्टेंगुलर ग्लास एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर प्लेस नहीं हो पाया। तो आप क्या करेंगे, एकदम ऐसे लेंगे ताकि आपका जो लाइन जो आपने खींचा है वो कहीं से भी दिखाई ना दे। अभी देखिए यहाँ पे है ना, कहीं से भी लाइन दिखाई ना दे, देखिए एक बार देखिए इसको है ना, कहीं से भी ऊपर से आपको लाइन दिख रहा है, सिर्फ नॉर्मल दिख रहा है ना, यही दिख रहा है ना, बाकी तो कोई लाइन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एज है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो एज है, वो आपके आउटर बाउंड्री के ऊपर कॉन्साइड कर गया, यही ना हुआ, तभी तो वो लाइन नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव पिन लेना है ना, जिसको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सबसे पहले चार पिन को यूज करना है, चार पिन आपने दूसरे कलर अपने च्वाइस, यानी जो कलर आप लेना चाहते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, आपको चार पिन ले लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इंसिडेंट रे पर एकदम ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे पर आपको एकदम प्लेस करना है, दो पिन को आपको प्लेस करना है, एकदम आपने यहाँ पे दो पिन को प्लेस कर दिया, एकदम फाइनल है, और एकदम फाइनली आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको भी करना है। आपने इंसिडेंट रे पे क्या किया, दो पिन को प्लेस कर दिया, एंड अब ये दो पिन आपके हाथ में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है ना टास्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म, है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने ये तो एकदम सिंपली आपने जो कर दिया आपने कर दिया, एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अब ये दो पिन इमेज की तरह पे प्लेस करना है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बेंड कर जाएंगे ताकि आप एकदम एग्जैक्टली प्लेस कर सके, और उसके बाद आपको देखना है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नीचे झुक के देखिए, अभी आपको जो है ये दोनों पिन इस साइड से, यानी चूंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, आपने साइड इधर ऑब्जेक्ट लगाया है तो आप इधर से देखोगे, एक बार देखो वो दोनों पिन दिखाई दे रहा है आपको, एक बार देखो बुआ आप भी देखिए, ये दोनों पिन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पिन दिखाई दे रहे हैं, एक बार उसको दिखाई, इधर आओ तो बुआ होगा, आप देखिए इस साइड से कॉर्नर से आप दिखाई दे रहा है, वो दोनों पिन दिख रहा है ना, एक इधर आ जाओ बुआ आप आ जाइए, है ना, वो दोनों पिन दिखाई दे रहे हैं,
वो दोनों पे दिखाई दे रहा है. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको क्या करना है, अपना एक आंख को क्लोज कर लेना है. ठीक है, एक आंख क्लोज करने से एग्जैक्टली आप लीनियरली प्लेस करते हैं. अब आपको क्या करना है, पहले एक पिन को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है. अब आपको क्या करना है, इस पिन को ऐसे प्लेस करना है कि ताकि वो जो पिन है, ये पिन उसके इमेज ऐसे उठ उठ के नहीं देखना है, ऐसे उठ के नहीं देखना है. आपको इस साइड से वो दोनों पिन दिख रहा है. अब आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से एक आंख क्लोज कर लेना है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एकदम आराम से ऐसे प्लेस करना है बुआ कि ताकि वो पिन एकदम ढका जाए, वो इमेज का पिन एकदम ढका जाए. अब यहाँ पे ऐसे पंच करना है, कोशिश करना है कि आपका वो दोनों पिन जो है एकदम चारों एकदम लाइन में आ जाए, चारों एकदम लाइन में आ जाए. यस, चारों एकदम लाइन में, एक आंख क्लोज रखना है ताकि एग्जैक्टली आप लीनियरली प्लेस कर सके. तो ये मैंने है ना एकदम यहाँ पे प्लेस कर दिया. अगर थोड़ा भी अगर आपका एक आंख बंद कर दिया, अब यहाँ पे आ जाओ हुआ. अब आप गौर से देखो, आपको सिर्फ ये दोनों पिन देख रहे हैं, वो दोनों पिन ढका गया. एकदम आराम से देखिए, थोड़ा झुक के देखो करो भाई, एकदम आप आ जाओ, आप आ जाओ एकदम यहाँ पे. एक आंख बंद करिए पहले, एक आंख इस साइड वाला बंद कीजिए ताकि आप उधर से देख रहे थे. अब वो दोनों पिन एकदम ढका गया ना. तो अब हम लोग का फाइनल टच आ चुका है बच्चों. एक बार आप यहाँ पे झुक के देखिए, ये दोनों पिन दिख रहा है, वो दोनों पिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एक लाइन में आ गया है, एक लाइन में आ गया. अब यहाँ पे देखिए, मैंने लगभग एक्टिविटी हम लोगों ने कैरी आउट कर लिया. एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैब का, वो होता है कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन. एक्टिविटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपने ऐसा कर लिया एंड आप फाइनली चले गए, आपने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया. ऑब्जर्वेशन में आपको जो फाइनली ऑब्जर्व करना था वो दो चीजें करनी थी. एक क्या क्या ऑब्जर्व करना था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करना था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो एंगल बना है वो यहाँ इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो लाइन पैरेलल होगा. तो अब यहाँ से आपका इसका काम खत्म. अब यहाँ पे आपने इसका काम को खत्म कर लिया. एंड नाउ अब इसका भी काम खत्म हो चुका है, यहाँ से आपने हटा लिया. हमारे पास दो ये पिन का मिल चुका है, आपने इस दो पॉइंट को ऐसे इंडिकेट कर लिया. अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से इस लाइन को ऐसे जोड़ लेना है. ऐसे कोशिश करना है, क्योंकि आप ह्यूमन एरर है, वो हो सकता है, नो डाउट. यहाँ हो गया. अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका हो गया इंसिडेंट, यानी दो बार रिफ्रैक्शन होती है ना. अब देखिए यहाँ पर आपने ऐसे यहाँ इंडिकेट कर लिया, यहाँ कर लिया, एंड ये आपका इंसिडेंट रे का जो है थोड़ा सा गड़बड़ाया है, नो डाउट है ना. तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, वो हमने आपको पहले ही कहा कि जब तक आप जो है पूरी तरह से अगर थोड़ा दिस इज कॉल व्हाट द ह्यूमन एरर. तो ये आपका यहाँ पे, तो आपने दो चीजें ऑब्जर्व की, एक आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ हो रही है, एंड एक आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रही है. आप यहाँ भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए यहाँ पे आपने लाइन के ऊपर लाया, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ऐसे लाइन लिया और यहाँ पे आपने एक 90 डिग्री यहाँ लिया, एंड यहाँ पे आपने एक नॉर्मल लाइन को लगभग ड्रॉ करने की कोशिश किया. ये आपने यहाँ पे नॉर्मल लिया है, ठीक है. अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या देखना था, यहाँ कितना डिग्री लिया था आपने, 30 डिग्री. अब यहाँ से देखो, ये आपने प्लेस किया लगभग आपका, देखिए 90 से यहाँ जा रहा है 10, ये 10-20 और ये 10-30, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया है देखिए, उसके कारण किसके कारण आया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमन एरर है ना. तो छोटी सी एरर आ सकती है, ये एंगल और ये एंगल आपका थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन आपकी एक्टिविटी जितना स्टेप आपने किया है वो सारा स्टेप वही है. एंड ये जो आपके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो आपके बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. समझ में आ रहा है. तो ये हमारी एक्टिविटी है. अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, 10th क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या ऑब्जर्व करना था, पहला पॉइंट बोलो, सभी लोग बोलिए, रिफ्रैक्शन आपका टू टाइम्स, फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज हियर, मींस एयर टू ग्लास,
एंड द सेकेंड रिफ्लेक्शन इज हेयर ग्लास टू एयर, है ना। उसके बाद ये जो इंसिडेंट रे है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और ये कौन सा रे है बोलो, इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल, उसके बाद इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड नाउ वी हैव डन दिस एक्टिविटी, एंड नाउ जो मैंने स्टेप बताया है, देखिए मेरे में अगर इतना डिग्री थोड़ा सा अगर आपका एरर आया है, प्रोसेस सेम है, एक्टिविटी सेम है। एंड अब यहाँ पे हो सकता है कि मेरे एंगल, मेरा आई साइट की वजह से ऐसा आया हो, है ना, या फिर है ना किसी कारणवश ये थोड़ा सा भी मिसप्लेस हुआ होगा, थोड़ा भी अगर हिला होगा तो एंगल में डिस्टर्बेंस आएगा। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, यही मैंने आपको कहा कि फिजिक्स में पहला चैप्टर हमारा एरर आता है, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, जैसे 10 बच्चे करेंगे तो 10 बच्चे क्या करेंगे, यहाँ एंगल इमरजेंस निकालेंगे। किसी का आया, मान लीजिए मैंने 30 इंसिडेंट लिया, किसी का आया 31, किसी का आया 32, किसी का आया 30, किसी का आया 35, किसी का आया 36, किसी का आया 32, फिर किसी का आया 30। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एंगल आएगा 30, इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द 30। इट मींस व्हाट, मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल द एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ आ रही बात है। तो ये सारी चीजें हैं, सो वी हैव डन दिस एक्टिविटी। आई थिंक वी ऑल, यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी दैट हाउ यू हैव टू परफॉर्म इनसाइड दिस लैब। ओके गाइस, सो नाउ थोड़ा सा